हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप देख सकते हैं, ये है मेरी प्यारी प्यारी सी भाभी, जिनको मैंने अभी अभी रेडी किया है पानी वाली रस्म के लिए। चलो ऊपर मम्मी आ जाओ। पिज्जा टू अंदर का है, अंदर का है ना, जो जो यहाँ पे है जो आज चलो क्या बोल रहे थे भाभी? गाइस, मेरी भाभी बोल रही है कि वीडियो हर चीज की होनी चाहिए। तो अब देखो, मैंने यहाँ पे सफाई करी है, नलका जला के और सफाई। सही से करो, सही से। हाँ, थोड़ा सा ना यार, लो मट्टी दे। साफ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से मेरी भाभी पानी भरेगी, नीचे बहुत ज्यादा फैला हुआ है। जरा वहाँ पे भी, उधर भी मिट्टी भरी हुई है, जरा उसको भी पानी गिरा दो उसमें भी। ये सफाई देख लो, सफाई करवा रहे, बाद में देंगे पैसे मुझे। काम के तो पैसे मिलते हैं ना, काम बराबर होना चाहिए। इतनी देर में जो आए हैं ना, चलो चलो आगे भैया, पर्स दे दो उनको। दे दिया मैं उधर आ जाऊं। भैया भाभी के भैया, मैं उधर आ जाऊं। इन लगनो माचिस है क्या? माचिस किसी के पास? माचिस दे भाई। बाबू वीडियो सिगरेट है, फोटो नहीं लाए। चलो मौसी जी का फोन लियो, रुक जाओ बाबू। देवा टीका लगा, नल का एक हाथ से उसका निकाल दो, आप पांच दस ही बोला करें, दो या तीन। ये वैसे कुएं पे होती होगी रसम ना, वैसे कुएं पे या झरने पे है ना, पंजरे में स्रोत होता है ना पानी का। अब स्टैंडर्ड नल के आगे ना, पर स्टैंडर्ड तो नहीं है, पर है जो भी है स्रोत में। अश्विनी का गांव का वो नहीं गाँव वाले की नहीं, और ये ऐसे करो, डुबा के निकाला जाता होगा? नहीं स्रोत से। अच्छा, स्रोत से उससे भर लेते हैं ना। माता घरवाली, माता खड़ी हो। गाइस आप देख सकते हैं, मेरी मौसी को तो चुन्नी तो मिली नहीं, तौलिया ही लेके आ गए ऊपर। किस 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 मुझे तो खैर मैं तो नहाई धोई भी, थोड़ा सा और पीछे होगा ना ताकि स्पेस मिल जाए। क्या करना है? भाभी को खला, भाभी के रो खला, इनको मैं सबको दे देती हूँ। खला ना, टिकट नहीं लगाना, ठीक है? लगा लेगी ले बाबू। फोटो ले लूं क्या? एक तो गाइस आपने देखा, जो भाभी ने पानी भरा था कलसे में, वो सबसे पहले पिलाया जाता है बड़ों को। तो हमारे घर में सबसे बड़े हैं हमारे पापा, तो भाभी ने उनको पानी पिला दिया है। और पिलाने के बाद अभी सब लोग जितने भी नीचे हैं बड़े बड़े, भाभी उन सबको पानी पिलाएंगी। और अभी हम जा रहे हैं नीचे। अरे यार, तो बहुत अंधेरा हो गया।
भाभी आराम से बस हो गया। किधर जाना है? बस मम्मी को तो देंगे ना। बस हाँ ये एक लोटा बार किचन में रखू भाभी, किचन में रख दिया। ये एक लोटा बार साफ लोटे और सब कुछ चला दे उस लोटे पे। बस आज से आपका काम करना स्टार्ट। काम स्टार्ट। चप्पल अरे ऐसी रेड वाली साड़ी पहननी है रोज। अरे आप तो वैसे भी गोरी हो जाएगी देर में। यार इसमें रोटी नहीं दिखाई दे रही, पर मेरे को कहीं हो गया हो गया। रुक जाओ मम्मी लाओ। तो गाइस अभी किया था नाश्ता और नाश्ता करते करते कौन आ गया वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और भाभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, भाई ढोलक बज रहा है, ढोलक की आवाज से आपको पता ही चल गया होगा। तो बस अभी देखते हैं क्या क्या होता है। ब्रेक भाभी हो रही, ब्रेक के बाद मेरे भाभी बहुत मजा आ गया पर आ नहीं रही है कैमरे में, ले आते फिर भाग गए वो। नहीं भाभी नहीं, बड़ी भाभी। और भागते भागते रोक दिया है मैंने भाभी को और मेरी भाभी आ गई है। अब मैं आपको देखो आराम से दिखा रही हूँ, तैयार भी नहीं हुए गंदे से। अभी हम कोई भी तैयार नहीं हुए हैं क्योंकि घर में काम इतना ज्यादा फैला हुआ है। मैं आपको दुल्हन का भाई, अरे दुल्हन का, दुल्हन का भाई तो बाहर बैठा है। अच्छा दुल्हन के साथ दहेज और तीन, एक भी नहीं दिया, तीन तीन दिए, तीन भाई आए देख लो तो बढ़िया होगा। तो हमारे भाई के लिए कमा के खिलाओगे? हाँ हमारे भाई पे ज्यादा बोझ नहीं पड़ने का। नहीं तीन तीन साले हो गए नौकरी करेंगे यहीं सीढ़ी पुल। ये भी आ गया तुम्हारी हेल्प कराने, ये आप बताइए कहाँ ये आ गया। आ जाओ बाबूजी नचाओ तो थोड़ा सा। हाँ नचाओ बहुरानी, अर रोटी बनना जी ना खेड़े लाई बाग पल्लो तेरी जोड़िया हंसके दिया दान तेरे कोठे ऊपर मोर माली खुशिया दे और साल में तेरा बधाई दे सुंदर तन हां साल के बाद ले आ जरा पांच जने देना बाकी चावल रख देना भगवान बेटा दिया बेटी इधर भी आ जाना, इनको भी दे देना, इनकी गोद भर जाए बस आपके आशीर्वाद से। इनकी गोद भर जाएगी तो तुम जो मर्जी लोगे। भैया कहाँ भाग रहा अलग ना, 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 नहीं वो पान जाए उनका पान जाए इनकी दोनों की गोद भर जाएगी तो तुम मुंह मांग की कीमत लेना इन दोनों को। दिल्ली बुलाएंगे तुम्हें ही बुलाएंगे भगवान वो दिल खाली हम ऐसे बोलेंगे कि तुम इंसान आए तुम भगवान आ गए इन दोनों के लिए। बाहर दिखाए
ये खाते पांच दान अपने हस्बैंड को खिला देना और बाकी चावल रुमाल में बांध के अपने घर ले जाना वही दिन भी गाइस मेरी भाभी बना रही है आज हलवा और थोड़ी थोड़ी हेल्प करा रही है मम्मी साथ में। आप देख सकते हो ये देखो मेरी प्यारी प्यारी भाभी के हाथ का हलवा खाएंगे हम आज। वाओ भाभी भाभी तो देखो लव यू। ये देखो खुशबू तो भाभी बहुत अच्छी आ रही है, हलवा भी अच्छा बनना चाहिए। ठीक है हाँ थोड़े थोड़े हेल्प करवाते हैं भाभी ने एक काम अच्छा करा है, सूजी अच्छे से भून दी है। है भाभी मैं वो हलवे की खुशबू आई हूँ इससे आ वही तो इससे आ गई मैं। अरे सालों की आंखें सूजी हुई है शादी में। आप क्या देख रहे हैं हलवा बन रहा है। ठीक है ये बाल आज आपके बाल को नहीं देख रहा है। चलेंगे कहाँ चलेंगे ये बाल चलेंगे नहीं चलेंगे चलेंगे आज तो भाभी का हलवा चलेगा बस है ना भाभी। हाँ चीनी डालो शक्कर इतना डाल देना कि सबके मुंह मीठे हो जाए अच्छी तरीके से। एक चम्मच वो तो अस्मित नितिन भाई को दे दिया शायद। देखो गाइस हलवा बन चुका है आप ही देख सकते हो। ये देखे आओ चलो भाभी अंदर धोने पत्तल दे दे बाबू। मोनू में फोन आने वाला है ना एक रुपए निकाल देंगे। तो देख लेते हैं भैया भाभी ने हलवा बनाया है या नहीं बनाया है। पहले मम्मी थी साथ में अब आ चुकी हैं दीदी। दीदी आप क्या करवा रहे हो भाभी के साथ हलवा। ओहो हलवा बन गया। अब मैं आपको क्यों नहीं दिख रही हूँ पता है मेरे हाथ में विशु है। किसी के पास विशु और मैं यहाँ पे आ गए हैं क्योंकि विशु उठ गए हैं ना। इधर भाभी हलवा देखो कर रही है। हाँ जी पेन अभी देती हूँ रुको। हाँ विशु सो गए थे ना उठ गए हैं। गाइस भाभी हलवा बना के ले आई हैं और सबसे पहले चढ़ाएंगे माता रानी जी को मंदिर में। और मेरी मौसी पता नहीं दूसरी पंडित बन चुकी है यहाँ पे वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे। उधर देखो हाथ जोड़ देना क्या देना मैं हर उसमें जिंदगी भर आपको ऐसे ही भरपूर खाना खिलाती रहूं। अब ये देखो भाभी जी चाचा कहाँ है चाचा को बुलाओ ना पहले चाचा को मम्मी को बुआ 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 आ जाओ मौसी को दे दो मौसी बड़ी है मौसी को दे दो पहले इधर मौसी को दे दो मौसी लो और दे दो है 1001 रुपया हलवा खा के बता देना कैसा लगा है। बुआ को दो बुआ को झूठी झूठी तारीफ मत करना रियल तारीफ करना ठीक है भाइयों। कभी मतलब बहन समझ के बोलो नहीं नहीं हलवा अच्छा बना हुआ है।
अच्छा बना, शालू करेगी। शालू कैसा बना है बता देना। शालू अब तो रोने वाली बारी आई है, छूटी दे देना है। हलवा अच्छा लगेगा तो दे देना कुछ, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं। खाने हलवा आप भी खाओगे। मम्मा जी हलवा खाया ला? बेकार भाभी मम्मा सगुन बेटी हलवा बनाना वो पहले देश की, उसके बाद चार बताओ, चार काजू और चार दाने किसमिस के, और हो सके तो नारियल। सब कुछ डाल रखा मम्मा डाले अच्छा सब कुछ। भाभी तो पहले चार थोड़ी ना, भाभी तो वो भी डली क्या, आठ आठ डली ना, आठ आठ डली, चार नहीं डाला। कम लगना था ये पापा, छोटी भी आ गया पापा, ये शगुन दिया जा रहा है यहाँ पे। चीज बनाओगे, सब्जी बनाओगे, रोटी बनाओगे, सबका शगुन मिलता रहे। नहीं नहीं भाभी झूठ बोल रहे हो। तो गाइज आप देख रहे हो ये सब लोग बाहर आके क्यों खड़े हैं, मैं बताती हूँ आपको। तो अब भाभी ने करी थी सुबह सबसे पहले तैयार होके पानी वाली रस्म, जो कि हमारे गांव में पंदेर में होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था पहली वीडियो में। तो ये यहाँ पे हमने नलखे में ही करी है, मतलब ये छत पे नलखा वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो हमने सोचा वहीं पर ही कर देते हैं। तो गाइज उसके बाद आ गए थे किन्नर जी, जिनको ज़्यादा रुपए तो नहीं थे क्योंकि उनकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा थी, बट थोड़े थोड़े में वो लोग मान गए। देन उसके बाद भाभी ने बनाया था हलवा, और वो थे हमारे बड़े मामा जी जो भाभी को बता रहे थे कि हलवा कैसे बनता है। तो बड़े लोग तो बड़े लोग होते हैं। तो उसके बाद सब लोगों ने हलवा खाया और भाभी को दिया था शगुन। और ये सब निपटाने के बाद भैया और भाभी जा रहे हैं द्वारबाट के लिए, उनके साथ जा रहे हैं हमारे बड़े भैया। तो गाइस ये लोग जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ से बनाऊंगा ना ऐसे। पीछे सामान रखेंगे, पीछे सामान रख दो भैया, आगे आगे बैठ। और है क्या बैग? और तो नहीं ना बैग? एक बैग और है, एक बैग और है। जल्दी आ जाना भाभी जान, जल्दी बाय। कहने का मतलब ये आप भी आना, इधर से टाइम से निकलना ताकि इधर टाइम से निकलो। बुरा मत मानना किसी भी चीज का, ठीक है? जल्दी आना। अरे यार आ जा, कितना पानी गिर रही है। मैं बस ब्लॉक किया गया, बस हो गया। वो अपने काम सब लोग चले गए, भारी भरकम में भीड़ है यहाँ पे भाभी को छोड़ने के लिए, ये देख सकते हो। अब हम जा रहे हैं अंदर सबके सब, चलो बस गाइस भाभी चली गई हैं, अब भाभी आएंगी कल पगफेरे के लिए जाते हैं, मतलब हमारे यहाँ द्वारबाग बोलते हैं, तो वो चले गए हैं। कल आएंगे ना? कल आएंगे, वो कल आएंगे वहाँ से, मतलब 6 बजे के करीब वो यहाँ पहुँच जाएंगे। कितने लोग आने वाले हैं? वो आएंगे 5 है लोग।
पाँच मतलब चार पाँच यहाँ से गए हैं, पाँच छः लोग वहाँ से, मतलब ग्यारह ग्यारह लोग हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो बस कल उनकी पार्टी, कल उनकी पार्टी होगी। बहुत ही आपको सारी अपडेट दे रही है वो भी अच्छे से। और भैया ने देखो मेरे को शगुन दिया है गाड़ी में बैठने के बाद, ये दिया है भैया ने मुझे 520 रुपए पैसे मिल रहे थे वहां शालू गई नहीं तो देखो 501 तो सब देते हैं, भैया ने मुझे 520 दिए हैं। और गाइस मेरी हालत को देख के प्लीज आप बुरा मत मानना, आपको पता है ना घर में बहुत सारा काम होता है और मेरा कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है अभी, ठीक है, सिर्फ सोने का दिल कर रहा है। मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊं, सो जाऊं, सो जाऊं, छो जा छो जा निन्ना छो जा बाय। क्या है ये, क्या हुआ? अरे इन्हें पहले कौन खिलाए, बिच्छू को मुझे दे दो ना इधर, सोनम का है, सोनम अनिल का फूल ले, चालू। अरे सोनम गई अपने पापा से मिलने अनिल कपूर से। इसे पकड़ना है क्या? गाइस हम सब लोग अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और सब लोग खा रहे हैं यहाँ पे खाना आराम से, हमने चेंज कर रूम शिफ्ट कर दिया है, आप देख सकते हो भाभी उधर बैठी है और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जो यहाँ पे बैठी हुई है अभी खाना खा रही है, उसको नया लुक कल सुबह दिखाऊंगी तुम्हें मैं। सो गाइस तो आपने देखा कि मैंने बनाए थे दाल चावल और खाना भी मैं ही लगा रही हूँ क्योंकि मम्मी बोलती है कि बिन्नी खाना लगाती है तो उनको शायद अच्छा लगता है मेरी मम्मी को। तो गाइस हम इसी तरीके से खाना खाते हैं नीचे आराम से बैठ के, कुछ लोग ऊपर बैठे हैं कुछ लोग नीचे बैठे हैं, तो इसी तरीके से हमारे यहाँ खाना खाया जाता है। और गाइस ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, रात में 10:30 बज गए थे, तो इसलिए बज गए थे क्योंकि रूम शिफ्ट किया था, बहुत सारा मतलब बेड जो था वो निकाला हुआ था बाहर, तो उसको अंदर लेके आए थे शिफ्ट करने के बाद, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और आपने आज मेरी बेस्ट फ्रेंड देखी है जो कि न्यू बनी है अभी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। This time, nothing is out of line.
just leave.